गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड का वे प्रोटीन मंगवाया जो कि 4 kg का है। ये लगभग मुझे 9,500 रुपए में पड़ा, लेकिन भाई मेरे साथ एक सीन हो गया। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर इस तरह से प्लास्टिक बैग आ, देख सकते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी, आप देखिए चेक करिए कितना फाइन है। अब मैं मिक्सिबिलिटी के बारे में बात करूं तो आउट ऑफ 5 मैं आउट ऑफ 5 दूंगा। अगर मैं इसका रिजल्ट के बारे में बात करूंगा तो गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन मंगवाया है जो कि 4 kg का है। इसके अंदर 131 सर्विंग है जो मेरा आराम से 4.5 महीने चल जाएगा। इसका हम जेन्युइननेस चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे क्या ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, क्यों मिक्सिबिलिटी भी चेक करेंगे और टेस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और इस प्रोडक्ट के साथ में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को पहले भी कंज्यूम किया है। पहले मैंने इसे 5 LPPS में मंगवाया था, ये जस्ट अभी फिनिश हुआ है गाइस। इसके अंदर टोटल 74 सर्विंग था, ये जो मुझे पड़ा था ये मेरे को 6000 में पड़ा था 74 सर्विंग, और इसके अंदर 131 सर्विंग है ये मुझे पड़ा है 9,500 रुपए में 9,400। अगर मैं इसके 2 बॉक्स लेता तो मुझे 12,000 रुपीस में पड़ता। इसके अंदर मेरे को जो सर्विंग साइज मिलती वो मेरे को 148 मिलता, तो गाइस इसके अंदर जो मुझे है 9,400 रुपीस में पड़ा 131 सर्विंग, 4 kg है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसा झार आएगा, इसलिए 4 kg का है तो इस तरह से इसके अंदर एक डॉल आएगा। तो गाइस मैं इसको अनरैप करता हूँ, ये आपने अनरैप कर लेना है और जैसे ही इसको आप अनरैप करोगे तो यहाँ पर वॉइड करके लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास पहले से ये यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ आया हो तो समझ लेने का भाई इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है। गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 131 सर्विंग है, एक सर्विंग साइज इसके अंदर 30.4 ग्राम है जिसके अंदर हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इसके अलावा 5.5 ग्राम हमें BCAA मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं नेट वेट जो मैंने आप लोगों को बताया 4 kg का है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ओपन, ये आपको यहाँ से ब्रेक करना है, उसके बाद आपको इस जार को ओपन करना है। तो गाइस यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया है, इसे ब्रेक करने के बाद ये ओपन आप लोगों को कर लेना है। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं गाइस इसके अंदर इस तरह से प्लास्टिक बैग आता है, बैग के अंदर वे प्रोटीन होता है। ये तो वही स्कूप है इनका जो ट्रांसपेरेंट स्कूप है, 30.4 ग्राम का जो स्कूप साइज है, और इस तरह से भाई बैग आता है, ठीक है। गाइस यहाँ पर आप वे प्रोटीन की क्वालिटी देख सकते हैं, जो मैंने पहले मंगवाया था 5 LPPS का उसका क्वालिटी भी सेम था और इसका क्वालिटी भी सेम है, तो क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आप जंबो पैक्स में मिलाते हैं तो इसमें डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कभी ऑफर आता है कैशबैक का तो आपको अच्छा रहता है, बाकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मुझे सस्ता पड़ा तो इसका मतलब ये क्वालिटी का इश्यू होगा, इसके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, तो गाइज ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वालिटी मैंने पहले भी यूज़ किया था, ये 5 LPPS का यही फ्लेवर को मैंने यूज़ किया था, क्वालिटी मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको फटाफट मिक्सिबिलिटी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। गाइज मैंने इसको ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं 200 ml वाटर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसको शेक करूँगा, अच्छे से मिक्स करूँगा, ठीक है। गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको एक स्कूप ऐड कर लिया है। गाइस मैं इसे 30 सेकंड तक इसे मिक्स करूंगा, विद इन 30 सेकंड के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। गाइस देख सकते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी, आप देखिए चेक करिए कितना फाइन है गाइस, देखिए यहां पर कोई लम्स नहीं है, अच्छे से मिक्स हुआ है, ठीक है। गाइस सीरियसली आप लोगों को बताऊं, मैं ऑन का टेस्ट का फैन नहीं हूं, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस चलिए मैं आपको क्विक रिव्यू दूंगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट का टेस्ट के बारे में बात करूंगा आउट ऑफ 5 मैं इसे 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं, चाहे आप वेनिला फ्लेवर ले लो, डबल चॉकलेट फ्लेवर ले लो, उनके सारे प्रोडक्ट का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब मैं मिक्सिबिलिटी के बारे में बात करूं तो आउट ऑफ 5 मैं आउट ऑफ 5 दूंगा, अगर मैं इसका रिजल्ट के बारे में बात करूंगा तो आउट ऑफ 5 मैं 4.5 दूंगा गाइस, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है बाकी प्रोटीन के कंपैरिजन में। अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, पहले मैंने ये यूज़ किया था 5 LPPS का, ये मुझे फास्ट डिजॉल्व लगा और जल्दी से रिकवरी देता है गाइस,
और ये इसीलिए तो ये नंबर वन ब्रांड है ऑन का, आप लोगों ने देखा होगा गाइस, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को मंगवाया है। टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने इस प्रोडक्ट को इसीलिए मंगवाया है, एक तो इसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी है, दूसरा फास्ट रिजल्ट देता है मुझे कि इस मुझे इस प्रोडक्ट को लेने के बाद, और मैंने अच्छे से डाइट मेंटेन किया उसके बाद लिया, तो थोड़ा सा मैंने मसल मास गेन किया है और मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बिल्ड हुई है। मैं पहले से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर पा रहा हूँ, मुझे फील होता है, एनर्जी फील रहता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद, तो इसीलिए मैं आउट ऑफ 5 से 4.5 स्टार दूंगा इसकी इफेक्टिवनेस को।